तो दोस्तों आज हम जानेंगे मेमोरी क्या होता है। बेसिकली मेमोरी हमारे दिमाग की तरह ही होता है जो कि जानकारी को स्टोर करने का काम करता है। कंप्यूटर मेमोरी आपको पता है कि एक स्टोरेज होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये एक जानकारी को स्टोर करने का काम करता है। तो कंप्यूटर मेमोरी डिफरेंट साइजेस का हो सकता है। आपको पता है कि मेमोरी को नापने के लिए जो यूनिट का यूज किया जाता है उसे हम बिट कहते हैं। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बिट कहलाती है। कंप्यूटर मेमोरी तीन तरह की होती है। पहला होता है कैशे मेमोरी, दूसरा होता है प्राइमरी यानी कि मेन मेमोरी, तीसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो दोस्तों ऐसे ही कंप्यूटर के बारे में कम समय में बहुत सारी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल IoYT को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में।